नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वसई में मुस्लिम समाज ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ निकाली रैली। वसई के पालघर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकियों के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें वसई और विरार के उर्दू स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत पर नृत्य पेश किया। वहीं ये आक्रोशित रैली वसई पारनाका से तहसीलदार कार्यालय तक पहुँची। वहीं इस रैली में समाज सेवी, स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिका एवं स्थानीय उपस्थित रहे। वहीं मौलाना सुभान ने भी अपनी मौजूदगी जताई। ये हमारे देश पे जो हमारे जो नौजवानों को जो कत्ल हुआ है, जो जिस तरीके से उनको शहीद कर दिए गए हैं, उसके लिए हम सब मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे रैली निकाली है। और उसके अंदर हमको जो भी कुछ हमने हमारी तरफ से जो हमारे मुल्क के लिए हम लोग करेंगे, जो भी हम लोग हमारी तरफ से हुकूमत को हम जो हमने अपना साथ बताया है वो दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, हमारे हिंदुस्तान की पूरी जो हुकूमत के साथ है, हमारे सब मुस्लिम समाज, पूरा हिंदू मुस्लिम भाई सब हम उस हुकूमत के साथ है कि इस जो जुर्म हुआ है उसको जवाब देना चाहिए। आज हमने अमन कमेटी वसई की जानिब से जो शहीद हुए हैं 44 हमारे सैनिक, उनके लिए हमने ये अमन मोर्चा निकाला है, खामोश मोर्चा है। जो मोर्चा यहाँ पारनाके से शुरू होकर और तहसीलदार पर जाएगा, तहसीलदार जाकर हम लोग उनको एक मेमोरेंडम निवेदन हम देंगे। हमारा ये कहना है कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, वो उसमें सभी धर्म के, सभी जात के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चन सभी लोग मौजूद थे। और जो वो जिनका भी खून है, एक इंसानी खून है, उन्होंने देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए और देश के लिए जिन लोगों ने भी उनके साथ में जिन दुर्घटना की है या उनके साथ में ये उनको बम ब्लास्ट के जरिए उनको उड़ाया है, तो इस सूरत के अंदर हम इसकी निंदा करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं कि देश को कमजोर करने के लिए, देशवासियों को हिंदू मुस्लिम के वाद विवाद में बांटने के लिए और देश की अखंडता और एकता को खत्म करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे ये कहना है कि ऐसे लोगों को खोज करके उनके ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दम को दिया जाए ताकि देश का अमन अमन और भाईचारे और एकता एकांतता आता है। जो घटना हुई उसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसलिए हम सब भाई लोग जुड़े हैं। आज मुस्लिम भाई हम सब दिखा रहे हैं कि हम लोग को भी इसका गम हुआ है, दुख हुआ है। सबसे पहले तो जितने जो शहीद 44 शहीद हमारे जो हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा सवाल आज तो सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर जो है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, जिनको जेम्स बॉन्ड कहते हैं, जो अजीत डोभाल जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं, उनका फेलियर, उनका कोई राजीनामा लेगा कि नहीं लेगा। मेरा मोदी जी से यह सवाल है कि वो सबसे पहले उनका राजीनामा ले। जब सीबीआई के ऊपर रेड गिरी थी तब रात को 2 बजे उन्होंने पुलिस ने सीबीआई के इसको घेराव करके अजीत अस्थाना को और इनको राकेश अस्थाना को उनको अलग किया था, तो अजीत डोभाल का भी राजीनामा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले मकसद ये था कि जो दहशतवादी हमला हमारे मुल्क पर हुआ उसके खिलाफ हमें कितना बुरा लगा, कितने हमारे दिलों में गुस्सा और कितना गम हमने महसूस किया है, उसका एक इजहार का तरीके के तौर पर हमें रहना। और क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो बात गलत फैलाई जा रही है कि मुसलमान दहशतवादी होता है, तो हमें ये कहना है कि दहशतवाद का, यानी कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। कोई भी मजहब का लोग जो, अगर कोई इस्लाम ये कहता है कि किसी एक इंसान का, बेगुनाह इंसान का कत्ल करना, यानी पूरा इंसानियत का कत्ल करना, तो हमारे बताने का मकसद भी ये था कि हमारा मज़हब ये तालीम नहीं देता। हमारे मज़हब की तालीम है आपस में मिलजुल कर रहना, और दुश्मनों के लिए भी हमारे नबी ने हमेशा दुआएं की। हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है और हम इसमें किसी तरह से शामिल नहीं थे और हम मुल्क के गम में शामिल हैं, ये बताने के लिए। मैं चाहती हूँ कि कुरान में हमारे यही बताया गया है कि वतन के साथ ईमानदारी ईमान का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। तो जब हम अगर वतन से गद्दारी करेंगे तो हम ईमानदार, ईमान में अल्लाह की नज़रों में बिल्कुल है ही नहीं, और कोई भी मुसलमान इस तरह से काम कर भी नहीं सकता है जो सच्चा मोमिन है। सही बात है। तो हम सारे मुसलमान हर शहीद होने वाले के लिए हम उनके परिवार के साथ उनके गम में शरीक हैं। रैली के बाद तहसील कार्यालय में
तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वसई से रफीक मेमन की एक रिपोर्ट।